हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीडीसी रेसिपीज। गर्मियां शुरू हो गई है तो इसी के साथ हमें जूसेस, आइसक्रीम, शरबत, जो भी चीजें ठंडी ठंडी हो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऐसे में आप अगर हेल्दी भी हो वो चीज और रिफ्रेशिंग हो तो फिर क्या बात है। तो आज मैं एक ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है वाटरमेलन जूस। ये बहुत ही हेल्दी रिफ्रेशिंग होता है। पहले मैंने चार डिफरेंट जूसेस की रेसिपी शेयर करी है, वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इस गर्मी आप इस जूस को जरूर बनाइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल डीडीसी रेसिपीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ेगा। ये मैंने एक वाटरमेलन यानी तरबूज को छोटे छोटे पीसेस में छीलकर, छोटे छोटे पीसेस में काट करके इस कप से 2.5 कप लिया है। मैंने इसके सीड निकाल दिए हैं, आप चाहें तो सीड के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि बाद में ग्राइंड होने के बाद और छनने के बाद सीड निकल जाते हैं। ये बड़ा चम्मच मैंने पुदीने की पत्तियां ली हैं, इसमें गर्मियों में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है और ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, तो गर्मियों में ये ज़रूर लेना चाहिए। और ये छोटा चम्मच मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, घर में ही मैंने जीरे को भून कर पाउडर तैयार कर लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। और ये मैंने एक छोटा चम्मच काला नमक लिया है, काला नमक भी बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। और ये एक लेमन के को स्क्वीज करके मैंने जूस तैयार किया है। लेमन जूस आपको सबको पता है बहुत बेनिफिशियल है, इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है और स्किन के लिए भी। और ये पुदीने की पत्तियाँ सजाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक जार लेंगे और उसमें जो हमने वाटरमेलन के पीसेस लिए हैं वो डालेंगे। वाटरमेलन में 92% वाटर होता है तो ये बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है और गर्मियों में ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, तो हमें इसका जूस गर्मियों में ज़रूर बना के पीना चाहिए। इसमें हम पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे, भुना जीरा डालेंगे, काला नमक भी डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये है हनी। हम इसमें 1 टेबलस्पून शहद भी डालेंगे। शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक क्वालिटी होती है तो ये बॉडी को बहुत अच्छे से हील करता है। लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप इसकी जगह एक बड़ा चम्मच चीनी डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर हनी डालिए। अब हम इसे बंद करके ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हमें बहुत अच्छे से करना है। अगर हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, जब तक ये ब्लेंड हो रहा है तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब ये ब्लेंड हो गया है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो हम इसे इस तरीके से एक बड़े बर्तन में छन्नी रखकर छान लेंगे। बट जैसा मैंने आपसे कहा है कि अगर अच्छे से ब्लेंड हो तो इसमें बहुत ही कम पल्प होता है, जिसे कि हमें छानना नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर फाइबर हमें मिल जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना पल्प निकला है, तो हाँ, कितना कम निकला है, तो हमें इसे छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको सर्व करने के 2 तरीके बताऊंगी। एक तो ये है कि आप ग्लास रखकर उसमें इस तरीके से आइस क्यूब डाल दीजिए और ठंडा ठंडा जूस उसमें डालकर उसे सर्व कर लीजिए। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग जूस देखिए हमारा तैयार है। इसको हम पुदीने की पत्तियां और कटे हुए वाटरमेलन के पीसेस से डेकोरेट कर लेंगे तो हमारा ग्लास लुक में बहुत ही अच्छा दिखेगा। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने अभी पीसेस लिए थे ना, जिससे हमने जूस बनाया है, वो हमने इसी शेल से निकाले थे, तो इस तरीके से आप भी शेल को कट करिए और नाइफ की हेल्प से अच्छे से आप इसका पूरा पल्प निकाल लीजिए। देखिए, नाइफ से ऐसे कट करके पूरा पल्प हम आप बाहर निकाल के उसका जूस तैयार कर लीजिए और इस तरीके से जो शेल बचेगा उसको भी और जूस को भी फ्रिजर में रख के ठंडा कर लीजिए और जब भी आपको सर्व करना हो तो ठंडा ठंडा दोनों को बाहर निकाल कर इसके अंदर जूस डाल के सर्व करिए। तो देखिए, आपकी टेबल की शान देखिए कैसे बढ़ जाएगी। इसमें हम आइस क्यूब डाल के इसे और चिल करेंगे और थोड़े से पुदीने की पत्तियों से हम इसे डेकोरेट करके जब हम इसके टेबल पे हम इसे अपने गेस्ट के सामने सर्व करने के लिए रखेंगे तो ये कितना ही देखिए कितना सुंदर दिख रहा है।
बहुत हेल्दी, बहुत सुंदर हमारा वाटरमेलन का जूस या कहिए वाटरमेलन कूलर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इस बार आप इसको ज़रूर बनाइए और इसी तरीके से सर्व करिए, तो आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली में सबको बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चले। सर्कल में दिखने वाले इस डीडीसी रेसिपीज के लोगों को भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।